गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.6 क्लास 12th ऑफ राजस्थान बोर्ड। सो स्टार्ट करते हैं। इस पे जो बेसिक कंसेप्ट थे दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, उसका इंटीग्रेशन करना, वो हम हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें डिस्कस कर चुके थे। उस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट with respect to x, that is x cube e to the power minus x. So answer second first. Okay, this is integrate x cube e to the power minus x dx. So we know this is algebraic function a, this is algebraic means a, and this is exponential function means e, and we know that ilate. So, देखिए हमारे पास यहाँ a है algebraic this one और e है this one. So, इन दोनों में से जो भी यहाँ हमारे पास first होगा a और e में से इस order में उसको हम first assume करेंगे। So, ये जो a e से पहले है, so this is first function and this is second function. Okay? So, x cube को हम as a first function और e to the power minus x को हम second function assume करके और integration करेंगे। Okay? And we know that integration of first into second dx, okay, first or second ka integration, that is first into integration of second minus integration d over dx first, okay, integration of second, aur jo hamara ye result hai is result ka again integration. So ye jo identity hai wo yahan hum apply karenge. So dekhiye, it can be written as first means here first is x cube because this is algebraic, this is exponential. So algebraic is first, exponential is second. So x cube integration second is e to the power minus x. Okay. Then minus differentiation of first is x cube. Okay. Then integration of second to the means e to the power minus x. और जो ये result है उस result का again integration. Okay. So now x cube and e to the power minus x, we know that integration of e to the power minus x is minus e to the power, integration of e to the power minus x is minus e to the power minus x. Okay, then minus integration, this one differentiation of this is 3x square, x cube ka differentiation, that is 3x square. Now integration of this is minus e to the power minus x. एंड इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये हमारा ये रिजल्ट हो गया और अगेन इंटीग्रेशन। नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स, ओके, माइनस इनटू प्लस माइनस, एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स, माइनस इनटू माइनस प्लस, और देखिए थ्री कॉन्स्टेंट हमने बाहर निकाल लिया, देन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स। अगेन हमें दो फंक्शन है, दिस इज अल्जेब्रिक एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल, सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। So, यहां हम अगेन ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। सो ये तो हमारा सोल्व हो चुका है, सो एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस थ्री, यहां हम अगेन ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देखिए पहले हमारे पास एक्स क्यूब था, नेक्स्ट स्टेप में एक इंटीग्रेशन, एक जो पावर है वो हमारे पास कम हो गया, एक्स क्यूब से हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर। अब अगेन हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स, और देन अगेन हम अप्लाई करेंगे तब एक्स एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। सो हम अगेन इसको अप्लाई करते हैं दिस आइडेंटिटी, देन फर्स्ट मींस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स डीएक्स, देन माइनस डी ओवर डीएक्स एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स डीएक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस डीएक्स एंड दिस वन। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस थ्री, ओके, x square, now this is minus e to the power minus x, then minus, this is 2x and minus e to the power minus x and a dx. इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो माइनस एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स, देन प्लस इनटू माइनस, माइनस 3x square e to the power minus x एंड माइनस इनटू माइनस, सो दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम्स प्लस, एंड 3 इंटू 2 वी गेट 6, सो 6 हमने बाहर निकाल लिया, देन x e टू द पावर माइनस x dx. नाउ दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, सो अगेन हम यहां अप्लाई करेंगे, देन वी गेट माइनस, ये हमारा सॉल्व हो चुका है,
So x cube e to the power minus x minus 3 x square e to the power minus x plus 6. Again यहाँ हम apply करेंगे first into second. So देखिए first into second का integration, okay, minus integration d over dx first, that is x, and integration e to the power minus x dx. और जो ये हमारा result है, result का again integration. So here we get minus x cube e to the power minus x, okay, minus 3x square e to the power minus x plus 6 into, here we get x and value of this is minus e to the power minus x, minus integration, differentiation of x is 1. And integration of this is minus e to the power minus x and a dx. Okay. So it can be written as minus x cube e to the power minus x minus 3x square e to the power minus x. Ye hamara multiply hoga plus into minus, we get minus 6x e to the power minus x. Okay. Minus into minus. Dekhiye. Minus into minus. प्लस ये 6 हमारा मल्टीप्लाई होगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, देखिए इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस x dx, ये हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया. सो नाउ देखिए 6 प्लस इनटू माइनस, माइनस 6x e टू द पावर माइनस x माइनस इनटू माइनस प्लस 6 हमारा मल्टीप्लाई हुआ. सो 6 इंटीग्रेशन के बाहर e to the power minus x dx. Now this can be written as minus x cube e to the power minus x minus 3x square e to the power minus x minus 6x e to the power minus x and plus integration of this, dekhe, this is plus 6 and integration of this is minus e to the power minus x. Okay, so this value can be written as plus into minus, plus into minus, it can be written as minus. So minus 6 e to the power minus x. अब देखिए जहां भी हमारा पहला इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ है, देखिए ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन, ये स्टेप, इसके बाद हमने यहां ये स्टेप लिखा. सो यहां हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ है, x cube e to the power minus x का इंटीग्रेशन. सो यहां हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ. जहां हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है उसी स्टेप में हम आगे प्लस सी स्टार्ट हो जाएगा. सो प्लस सी प्लस सी प्लस सी, सो दिस, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड में फर्स्ट पार्ट है, आंसर थर्ड में फर्स्ट. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू एंड लॉग एक्स एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस. दिस इज एक्स क्यू मींस अलजेब्रिक, दिस इज लॉग फंक्शन. सो अगर हम देखें आई लेट, ओके, सो हमारे पास यहां अलजेब्रिक फंक्शन है एंड लॉग फंक्शन है. सो एल जो है वो ए से पहले है. सो यहां पे एल, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन एंड ए सेकंड फंक्शन. सो देखिए अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने एक्स क्यूब को फर्स्ट फंक्शन लिया था, बट यहां एक्स क्यूब जो है वो सेकंड फंक्शन है, बिकॉज इस फॉर्मूले में जो भी फिट होता है और जो उसका ऑर्डर होता है उसी के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट एंड सेकेंड डिसाइड करते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज फर्स्ट मीन्स log x whole square, second का integration means x cube dx, minus first का differentiation, so differentiation of log x and whole square, second का integration, so x cube dx. और जो ये हमारा result मिलेगा इस result का again integration. Okay, so यहां देखिए it can be written as log
log x, ओके log x होल स्क्वायर. देखिए बोथ आर डिफरेंट, एक तो हम log x स्क्वायर लिखता हूं और एक मैं लिख रहा हूं log x होल स्क्वायर. सो बोथ आर डिफरेंट, दिस कैन बी रिटन एज 2 log x, ओके इसको तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बट दिस कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म. सो इन दोनों में डिफरेंस है. नाउ इंटीग्रेशन x क्यूब, दैट इज x टू दी that will be x to the power 4 upon 4 because x to the power n ka apply kiya humne. So it is x to the power n plus 1 upon n plus 1. So yahan n ki value 3. So x to the power 3 plus 1 means 4 upon 3 plus 1 means 4. Okay. Minus integration this symbol. Aur ab hum isko solve karte hain. Differentiation of log x. So, पहले तो यहां पावर का अप्लाई होगा. सो पावर का अप्लाई होगा, देन 2 log x, ओके देन अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ log x. सो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 upon x. सो ये जो है डिफरेंशिएशन, ये वैल्यू मिलेगी. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सो इट विल बी x टू द पावर 4 अपॉन 4, ओके सो और ये जो हमारा रिजल्ट है इसका अगेन इंटीग्रेशन. नाउ दिस कैन बी रिटन एज log x होल स्क्वायर एंड x टू दी पावर 4. सो इसको मैं पहले लिख लेता हूं x टू दी पावर 4 अपॉन 4 log x होल स्क्वायर, ओके माइनस इंटीग्रेशन. देखिए इस x से x टू दी पावर 4 कैंसिल हो गया वन टाइम, सो यहां हमारे पास x क्यूब और इस 2 से ये जो 4 कैंसिल हो गए 1/2, सो दैट इज कॉन्स्टेंट. उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं 1/2, ये और ये कैंसिल होके 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, ये और ये हमारा कैंसिल होके x क्यूब रहा हमारे पास एंड वी गेट log x और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है. ओके नाउ अगेन दिस इज अलजेब्रिक एंड दिस इज log, सो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज आवर सेकंड फंक्शन. सो देखिए क्या होगा, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका x टू द पावर 4 अपॉन log x एंड होल स्क्वायर माइनस 1/2 यहां फर्स्ट इनटू सेकंड. सो दिस इज फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो x क्यूब dx, ओके नाउ माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मींस x क्यूब dx और ये जो हमारा इसका अगेन इंटीग्रेशन. सो नाउ x टू द पावर 4/4 log x होल स्क्वायर माइनस 1/2 दिस इज log x, इसका इंटीग्रेशन अगेन x टू द पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x एंड x टू द पावर 4/4 एंड अगेन इसका इंटीग्रेशन. सो हियर वी गेट x टू द पावर 4/4 इनटू log x का होल स्क्वायर माइनस हाफ log x, या इसको चलिए हम पहले लिखें x टू द पावर 4/4 इंटू log x, ओके माइनस ये देखिए हमारा कैंसिल होके x क्यूब रहा, सो ये हमारा 1/4 बाहर आया, देन इंटीग्रेशन x क्यूब dx. ओके नाउ x टू द पावर 4/4 दिस कैन बी रिटन एज x टू द पावर 4 log x होल स्क्वायर माइनस 1/2 x टू द पावर 4/4 log x माइनस 1/4 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज x टू द पावर 4/4. सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज x टू द पावर 4/4 log x होल स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई विद दिस, सो x टू द पावर 4/4 टू द 8 log x माइनस इंटू माइनस, सो वी गेट प्लस माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस वी गेट प्लस एंड 1/4 इंटू 1/2 सो 1/8 एंड x टू द पावर 4/4. अब देखिए हमारे पास x टू द पावर 4 सब में है, ओके और हमारे पास अपॉन में 4 है, सो यहां पे दिस कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू 4 दैट इज 8 एंड दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू 4 16 इंटू 2 सो इट कैन बी रिटन एज 32. ओके सो नाउ अब हमारे पास
x टू दी पावर 4 बाई 4 जो है एलसीएम निकाल लें या हम ऐसा रहने दें। सो अब देखिए क्या होगा, यहां पे हमारे पास जहां हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ इस स्टेप में, सो उसी स्टेप में हम यहां पे प्लस सी प्लस सी प्लस सी एंड प्लस सी। सो ये जो है हमारा इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हुआ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आंसर थर्ड में हमारा सेकंड, दैट इज इंटीग्रेशन x क्यूब e टू दी पावर x स्क्वायर एंड dx। सो देखिए हमारा e जो है, e है उसकी पावर में x स्क्वायर है। सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन x स्क्वायर, सो x क्यूब जो है उसको ब्रेक करेंगे हम x इंटू x स्क्वायर में, सो e टू दी पावर x स्क्वायर dx। ओके नाउ अगर अब इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से अप्लाई करूं सो ये हमारा इजी हो जाएगा। सो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, इधर लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू t, अगर मैंने x स्क्वायर को जो वो t अज्यूम कर लिया, सो लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू t, सो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, सो 2x equals to dt by dx, so x dx can be written as dt by 2, okay? So देखिए ये हमारा x square replace हो जाएगा t से, ये हमारा replace हो जाएगा t से, and this x dx ये हमारा replace हो जाएगा dt by 2 से, so this can be written as देखिए this x square means t, this x square means t, e to the power x square, so x square again t, एंड एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा डी टी बाय टू से। ओके नाउ वन बाई टू हम बाहर निकाल लें, सो इंटीग्रेट टी ई टू दी पावर टी डी टी, नाउ दिस इज अलजेब्रिक एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल, सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन, सो फर्स्ट एंड सेकेंड इन टी वेरिएबल, सो नाउ हाफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि अब हमें टी के रेस्पेक्ट में करना है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, अब हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो टी के रेस्पेक्ट में होगा, बिकॉज जो वेरिएबल है दैट इज टी एंड इंटीग्रेशन भी हमें टी के रेस्पेक्ट में करना है, सो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा इंटीग्रेशन। ओके दैट ई टू द पावर टी डी टी, और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन, सो नाउ हाफ देखिए टी और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी इज ई टू द पावर टी माइनस टी का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन वन एंड टी का इंटीग्रेशन, देखिए टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी इज वन, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी इज ई टू द पावर टी, मींस ये सोल्व हो गया हमारे पास ई टू द पावर टी, सो इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी डी टी। नाउ हाफ अगर हम इसको मल्टी सोल्व करें देन चलिए टी ई टू द पावर टी माइनस इंटीग्रेशन इज ई टू दी पावर टी। ओके अब देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन हमारे पास, हम बात करें कि यहां सोल्व हो गया, यहां हमने किया, सो फर्स्ट इंटीग्रेशन हमारा यहां सोल्व हुआ, सो प्लस सी एंड प्लस सी, नाउ रिप्लेस टी विद एक्स स्क्वायर, सो हाफ इंटू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर सॉरी ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड।
अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फर्स्ट पार्ट पे, दैट इज इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x एंड e टू द पावर ex, ओके, एंड इंटीग्रेशन. सो e टू द पावर 2x कैन बी रिटन एज e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x, ओके. नाउ e टू द पावर ex dx, यहां भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो लेट e टू द पावर x इक्वल्स टू t, इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया t. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. So e to the power x equals to dt by dx, or you can say e to the power x dx equals to dt. So देखिए, ये तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, dt में, okay? And this e to the power x is t, and this is e to the power t and dt. So ये हमारा क्वेश्चन जो है, अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो सेकंड पार्ट था थर्ड का, जस्ट उसी टाइप में कन्वर्ट हो गया t e टू दी पावर t. सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम आगे, और जहां भी हम हमारा t में रिजल्ट मिल जाएगा, अगेन हम जो t इक्वल्स टू e टू दी पावर x यहां सब्स्टिट्यूट करके हम आंसर करेंगे. अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, उसपे फोर्थ में सेकंड, दैट इज इंटीग्रेट log x एंड होल स्क्वायर. ओके, देखिए यह हमारे पास सिर्फ log में फंक्शन है. सो अगर अकेला हमारे पास log में फंक्शन होता तो हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, सो dx. नाउ दिस इज अलजेब्रिक, दिस इज log. सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड अलजेब्रिक इज सेकंड फंक्शन. सो फर्स्ट मींस log x होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट dx, 1 dx, 1. देखिए फर्स्ट हमारे पास log x है, इसका होल स्क्वायर, देन सेकंड का इंटीग्रेशन मींस 1 का इंटीग्रेशन करना. सो यू कैन से dx माइनस d ओवर dx log x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, और जो ये हमारे पास होगा इसका इंटीग्रेशन. सो log x होल स्क्वायर, दिस इज x माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा 2 log x एंड 1 अपॉन x. पहले log x का होल स्क्वायर, सो पावर का अप्लाई होगा 2 log x, देन अगेन डिफरेंशिएशन log x का, दैट इज 1 अपॉन x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज x, और ये जो हमारा है इसका अगेन इंटीग्रेशन. सो ये x और ये x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. सो हियर वी गेट अ log x होल स्क्वायर, इस x को मैं पहले लिख देता हूं, माइनस इंटीग्रेशन 2 जो है ये हमारा 2, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं आउटसाइड. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ log x dx. सो अगेन हम यहां पे क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हियर वी गेट log x होल स्क्वायर माइनस 2 1 log x dx. नाउ दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन. सो यहां हमें मिलेगा x इनटू log x का होल स्क्वायर माइनस 2, अगेन फर्स्ट मींस log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो dx माइनस d ओवर dx, दैट इज log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसका इंटीग्रेशन. सो नाउ रिजल्ट ऑफ दिस विल बी x log x होल स्क्वायर माइनस 2 log x, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज x माइनस, देखिए इंटीग्रेशन log x का हमारे पास 1 अपॉन x और dx का x एंड dx. सो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हियर वी गेट x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू x log x, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x. सो नाउ देखिए दिस कैन बी रिटन एज x log x का होल स्क्वायर, ओके, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x, ओके, एंड माइनस इनटू माइनस प्लस 2x, ओके. अब देखिए जहां भी हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ है यहां पे, सो इसी स्टेप से हम प्लस सी सी. सो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा फोर्थ में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसका.
हम नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फास्ट फाइव फिफ्थ का उसको सोल्व करते हैं. फिफ्थ में फर्स्ट सो इंटीग्रेट कोस इनवर्स एक्स डी एक्स. सो यहां भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले वन से मल्टीप्लाई कर लेंगे वन कोस इनवर्स एक्स डी एक्स बिकॉज ये हमारा इनवर्स फंक्शन है. अब दिस इज इनवर्स एंड दिस इज अलजेब्रिक सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन. सो इसको हम सोल्व करेंगे देन फर्स्ट मीन्स कोस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मीन्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट वन सो कोस इनवर्स एक्स देन इंटीग्रेशन सेकेंड मीन्स डी एक्स और जो ये हमारा रिजल्ट होगा इसका अगेन इंटीग्रेशन. सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज कोस इनवर्स एक्स इसका इंटीग्रेशन दैट इज एक्स माइनस यहां हम देखिए इंटीग्रेशन कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर बिकॉज कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज दिस इज दिस वन ओके बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ओके. सो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज एक्स एंड dx. Now this can be written as a x cos inverse x okay minus into minus plus and x upon root 1 minus x square dx and integration of this. अब देखिए हमारे पास यहां x square है and x square का जो differentiation that is 2x. So यहां पे हमारे पास numerator में x है. So अब हम substitute करेंगे that let x square equals to t. So differentiate okay with respect to x. So x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे देन वी गेट 2x इक्वल्स टू dt बाय dx और x dx इक्वल्स टू dt बाय 2. सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज x cos इनवर्स x ओके प्लस इंटीग्रेट देखिए x dx दैट इज dt बाय 2. सो dt बाय 2 x dx तो हमारा बन गया dt बाय 2 एंड 1 अपॉन रूट 1 माइनस x square means t, so 1 minus t. So this can be written as x cos inverse x and ये हमारा 1 by 2 बाहर आ गया and can be written as 1 minus t to the power half, minus half and dt. Okay? So अब देखिए क्या होगा यहां हमारे पास. Again the whole power is minus half. अगर यह हमारे पास square होता, so हम इसको एक्सपेंड कर देते बट यहां हमारे पास दैट इज पावर माइनस हाफ. सो हम अगेन एक बार और सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो लेट 1 बाय टी इक्वल्स टू एस. नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू अब टी के रेस्पेक्ट में कीजिए एस के रेस्पेक्ट में. सो टी के रेस्पेक्ट में करें सो 1 का डिफरेंशिएशन दैट इज 0 एंड माइनस टी का होगा माइनस 1 इक्वल्स टू डी एस बाय डी टी. सो यू कैन से डी टी इक्वल्स टू माइनस डी एस. So, ये जो वैल्यू है दिस कैन बी रिटन एज एक्स कोस इनवर्स एक्स प्लस हाफ इंटीग्रेशन नाउ 1 माइनस टी इज एस सो एस टू द पावर माइनस हाफ एंड दिस डीटी कैन बी रिप्लेस माइनस डी एस. सो नाउ एक्स कोस इनवर्स एक्स सिर्फ हमने यही रिप्लेस किया है प्लस हाफ ये हम नेगेटिव बाहर निकाल ले सो प्लस इंटू माइनस माइनस हाफ. अब देखिए एस टू दी पावर माइनस हाफ सो इसका होगा एस टू दी पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन. सो नाउ दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू एक्स कोस इनवर्स एक्स माइनस हाफ ओके. देखिए माइनस हाफ प्लस वन सो माइनस हाफ प्लस वन वी गेट प्लस का हाफ. सो प्लस का हाफ इससे कैंसिल हो जाएगा हाफ से. सो हियर वी गेट एस टू दी पावर हाफ s to the power half, so you can say root s. Okay, now substitute value of x, substitute value of s, so minus root s. S is 1 minus t, so 1 minus t. अब again हमने देखी s से t substitute कर दिया. अब again हमें t से क्या substitute करना है x. So equals to x cos inverse x minus root 1 minus t. T means x square, so x square. ये हमारा क्या होगा integration. अब जहां भी हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ यहां सो यहां प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी ये हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा.
यहां देखिए प्लस हाफ माइनस हाफ हो गई। इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरा मेथड है उस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। सो देखिए मैं वो मेथड भी सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पहले ही अप्लाई करके इसको सोल्व करते हैं। ये जो हमारा आंसर है इसको मैं यहां लिखता हूं एक्स कोस इनवर्स एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एन प्लस सी। ओके सो देखिए इसी क्वेश्चन को अगर एक दूसरे मेथड से हम सोल्व करें दैट इज कोस इनवर्स एक्स डीएक्स। सो देखिए क्या होगा यहां, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कोस इनवर्स एक्स ओके कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, लेट कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। सो यू कैन से कोस थीटा दिस ये इधर आएगा सो एक्स ओके। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, अब आप इसको चाहे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए या एक्स के रेस्पेक्ट में। सो यहां मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, देन वी गेट कोस का डिफ्रेंशिएशन, यू गेट माइनस साइन थीटा एंड एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में डीएक्स बाय डी थीटा। सो यहां हमें मिलेगा यू कैन से डीएक्स इक्वल्स टू डीएक्स दिस डीएक्स इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा एंड डी थीटा। ओके सो ये हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे देन इंटीग्रेशन ओके कोस इनवर्स एक्स दैट इज थीटा। सो ये जो कोस इनवर्स एक्स है ये तो हमारा बन जाएगा थीटा। ओके नाउ डीएक्स डीएक्स इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा एंड डी थीटा। सो ये नेगेटिव मैं बाहर निकालू नेगेटिव सिंबल, सो नाउ थीटा साइन थीटा डी थीटा। ओके सो अब ये हमारा जो है क्वेश्चन है वो हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक में। सो आई एल ए टी ई, सो एक तो हमारे पास अलजेब्रिक है और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है। सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। सो यहां हम अप्लाई करेंगे देन माइनस ओके ये हमारा नेगेटिव सिंबल। नाउ फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, अब थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे बिकॉज यहां में इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में करना है एंड सेकंड का इंटीग्रेशन और जो रिजल्ट होगा अगेन उसका इंटीग्रेशन। सो माइनस थीटा साइन का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कोस थीटा माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन वन एंड इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा एंड डी थीटा। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस, सो थीटा कोस थीटा ओके माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस माइनस। नाउ थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा का इंटीग्रेशन, देखिए यहां में इंटीग्रेशन करना है सो कोस थीटा का इंटीग्रेशन दैट इज साइन थीटा। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, सो देखिए ये हमारे पास कोस थीटा, अब हमें जो है थीटा दिस कैन बी मीन थीटा कोस थीटा बिकॉज यह हमारे पास थीटा किसकी फॉर्म में है, कोस इनवर्स की फॉर्म में है। सो ये जो साइन है इसको हम किसकी फॉर्म में, कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो माइनस सिंस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा ओके सो माइनस रूट वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सो थीटा थीटा मीन्स कोस इनवर्स एक्स, सो यहां हमने लिखा कोस इनवर्स एक्स इस थीटा की जगह देन कोस एंड थीटा थीटा इज कोस इनवर्स एक्स ओके माइनस रूट वन माइनस कोस स्क्वायर इंटू कोस इनवर्स एक्स। नाउ दिस कैन बी रिटन एज देखिए यहां थीटा, सो थीटा इज कोस इनवर्स एक्स, सो मैंने थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स पुट किया देन कोस एंड थीटा थीटा इज कोस इनवर्स एक्स, सो मैंने इस थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स पुट किया माइनस वन माइनस कोस स्क्वायर एंड थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स पुट किया। सो देखिए कोस एंड कोस इनवर्स एक्स कैंसिल, सो वी गेट एक्स कोस इनवर्स एक्स, सो एक्स कोस इनवर्स एक्स ओके देन माइनस रूट वन माइनस, अब कोस एंड कोस इनवर्स हमारा कैंसिल होके वन माइनस, देखिए दिस वैल्यू इंपॉर्टेंट थिंग एक बार फिर मैं यहां लिख रहा हूं कोस स्क्वायर एंड कोस इनवर्स एक्स।
सो इंपॉर्टेंट थिंग, मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, देखिए कोस स्क्वायर एंड कोस इनवर्स एक्स, इसका मीनिंग है ये टू टाइम्स मीन्स कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स एंड कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स। तो ये कोस और ये कोस कैंसिल होके हमारे पास एक्स यहां रहा और ये कोस कैंसिल होके एक एक्स यहां रहा, सो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर। और जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो यही कंप्लीट हो गया, देन प्लस सी, प्लस सी प्लस सी सी प्लस सी एंड प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ। देखिए मैच कीजिए, एक्स कोस इनवर्स एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसका कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है 5th में, उस पे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आंसर नंबर 5, उसमें सेकंड पार्ट इंटीग्रेट कोसेक इनवर्स रूट एक्स प्लस ए बाय एक्स। सो देखिए हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि इफ वी हैव सम पार्ट लाइक दिस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स, हमने जो एक्सरसाइज सेकंड जो है चैप्टर सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनमें भी हमने इसको डिस्कस किया है। ओके सो यहां हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सोल्व करें, सो यहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लेट एक्स इक्वल्स टू ए टेन स्क्वायर थीटा, बिकॉज इफ यू पुट एक्स इक्वल्स टू ए टेन स्क्वायर थीटा देन ए हमारा कॉमन आ जाएगा न्यूमिनेटर से और न्यूमिनेटर में हमारे पास होगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट कैन बी टेन सेक स्क्वायर थीटा। सो नाउ डिफ्रेंशिएट ओके विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करें सो एक्स का वन ओके ए हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, पहले टेन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएट है टू टेन थीटा पावर वाला जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई होगी, देन अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, देन अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा दैट इज डी थीटा बाय डी एक्स। नाउ यू कैन सी डी एक्स इक्वल्स टू टू ए, ये डिवाइड इधर आ जाएगा सो टू ए टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड ए डी थीटा ओके एंड दिस कैन बी रिटन एज, सो ये हमारा जो है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक इनवर्स रूट, देखिए एक्स एक्स की जगह हम ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए टेन स्क्वायर थीटा एंड डी एक्स, डी एक्स की जगह हम पुट करेंगे टू ए टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। ओके नाउ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कोसेक इनवर्स, ओके नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इनटू दिस वन, सो क्या होगा देखिए दिस ए हमारा, मैं इसको सोल्व करूं सो न्यूमिनेटर से ए हमारा कॉमन आ गया ओके देन न्यूमिनेटर में हमारे पास वन सॉरी टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन और डेनोमिनेटर में हमारे पास ए टेन स्क्वायर थीटा, ए इन दोनों से कॉमन आ गया देन ए देन टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन और इसका रूट, अब ए और ए हमारा कैंसिल हो गया एंड वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा एंड रूट ऑफ दिस, सो रूट हमारा दोनों साइड से कैंसिल हो गया वी गेट सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज सेक थीटा अपॉन एंड यू कैन से दिस इज दिस वैल्यू, सो दिस कैन बी रिटन सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। नाउ sec can be written as देखिए this sec can be written as one upon cos okay and tan can be written as cot theta, now this is one upon cos theta and cot theta can be written as cos theta upon sin theta, so ये हमारा cancel out and here we get one upon sin theta that is one upon sin theta is cosec theta okay, so ये जो value है हमारी ये वैल्यू इक्वल होगी किसके कोसेक थीटा के इक्वल, सो ये जो है इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं कोसेक थीटा, होगा कैसे वो मैंने यहां एक्सप्लेन किया है, दोनों ए ए हमने कॉमन लिया सो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन डेनोमिनेटर में ए टेन स्क्वायर थीटा, नाउ ये हमारा कैंसिल आउट
ए और ए कैंसिल आउट, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन दैट इज सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ रूट स्क्वायर है बोथ बोथ टर्म्स हैव स्क्वायर एंड ऑल्सो रूट, सो रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट, सो वी गेट sec थीटा अपॉन tan थीटा, sec कैन बी टर्न्स वन अपॉन cos थीटा, वन अपॉन tan कैन बी टर्न्स cot थीटा, नाउ दिस इज वन अपॉन cos थीटा, cot कैन बी टर्न्स cos अपॉन sin, cos से cos कैंसिल आउट, वन अपॉन sin थीटा दैट इज cosec थीटा, ओके सो ये हमारा cosec थीटा हुआ, देन दिस इज 2a, सो यू कैन से 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा, ओके अब देखिए cosec इनवर्स एंड cosec कैंसिल आउट, और ये जो 2a है दैट इज कॉन्स्टेंट, सो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं कॉन्स्टेंट, इस 2a को हमने बाहर ले लिया, नाउ यहां हमारे पास रहा थीटा, देखिए cosec इनवर्स एंड cosec कैंसिल आउट, यहां हमारे पास थीटा इनटू tan थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा, अब देखिए फर्स्ट इनटू सेकंड, हमें एक फंक्शन को फर्स्ट अज्यूम करना है और एक फंक्शन को सेकंड अज्यूम करना है, सो देखिए हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएशन है, क्योंकि हम देखिए क्या करेंगे फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ओके सेकंड का इंटीग्रेशन मींस ये जो सेकंड है कोई ऐसी टर्म है क्या जिसका कि डिफरेंशिएशन है, यस sec स्क्वायर थीटा जो है, अगर मैं sec स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन अज्यूम करता हूं, ओके d थीटा सेकंड फंक्शन अज्यूम करता हूं, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा tan थीटा, ओके बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा इज tan थीटा, So, ये जो टर्म है इसको हम फर्स्ट फंक्शन और ये जो टर्म है इसको सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे, सो 2a नाउ फर्स्ट मींस x tan थीटा, ओके इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sec स्क्वायर थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d ओवर d थीटा, नाउ थीटा tan थीटा, ओके एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मींस sec स्क्वायर थीटा d थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, नाउ टू ए थीटा टेन थीटा, ओके इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा दैट इज टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं देन थीटा का वन एंड टेन का भी, देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन थीटा का डिफरेंशिएशन वन, सो वी गेट टेन थीटा, ओके फर्स्ट का मीन्स थीटा का डिफरेंशिएशन वन With respect to theta and tan theta हमारा as it is, then first plus second का differentiation that is sec square theta, okay and differentiation of this will be tan theta, okay and integration of this d theta and जो complete हमारी term है you can say this and ये हमारा इसका और कन्वर्ट कर देता हूं इन दिस ब्रैकेट, ओके वो कंप्लीट वैल्यू, सो नाउ दिस इज इक्वल टू दिस टर्म एंड मल्टीप्लाई बाय दिस वन, ओके सो दिस कैन बी टेंस टू ए थीटा टेन थीटा इंटू टेन थीटा दैट इज टेन स्क्वायर थीटा, थीटा इंटू थीटा दैट इज टेन स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए थीटा टेन थीटा इंटू टेन थीटा, सो हियर वी गेट टेन टेन थीटा इंटू टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ओके एंड डी थीटा एंड यू कैन से प्लस थीटा टेन थीटा, थीटा टेन थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, देखिए माइनस ये माइनस हमारा यहां है, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा इंटू टेन थीटा दैट इज टेन स्क्वायर थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ थीटा सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा, थीटा सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा, अब देखिए यहां हमारे पास वैल्यू है थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर डी थीटा उसका इंटीग्रेशन, यहां भी हमारे पास वैल्यू थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेम वैल्यू हमें मिली है, ओके हियर वी गेट सेम वैल्यू, सो सपोज नाउ यू कैन से इक्वल्स टू सपोज दिस इज आई, हमने अज्यूम कर लिया कि जो वैल्यू है बिकॉज देखिए सेम टर्म हमें यहां मिली है, अब सेम टर्म जब हमने इसको सोल्व किया सो ये टर्म प्लस हमें कुछ एक्स्ट्रा मिला है, सो वी कैन से सपोज दिस इज इक्वल्स टू आई, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू आई आई आई, ओके मीन्स आई इज
here I is 2a theta tan theta sec square theta. So I equals to, ये हमारा multiply होगा, so 2a theta tan square theta, ये हमारा इससे multiply होगा, minus 2a integration, okay, tan square theta, so tan square theta can be written as sec square theta minus 1. Tan square theta, that can be just sec square theta minus 1. And this minus and this 2a, so minus 2a integration theta tan theta sec square theta and d theta. Okay. And this value is equal to r. Dekhi, same value. Okay. So, ye jo value hai, isko main replace kar deta hun with r. अब ये जो नेगेटिव आई है इस साइड आएगा, सो आई और एक आई ये बन के इट विल बी कन्वर्ट इनटू टू आई, सो टू आई इक्वल्स टू टू ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन दैट इज टेन थीटा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी थीटा दैट इज माइनस थीटा. नाउ देखिए ये हमारे पास क्या है, दिस इज दी वैल्यू ऑफ 2i. ओके, अब 2 यहां 2 यहां 2 यहां, सो ये जो 2 2 एंड 2 कैंसिल आउट, सो वी गेट i इक्वल्स टू, हियर वी गेट i इक्वल्स टू a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस a tan थीटा एंड माइनस इनटू माइनस प्लस थीटा, ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा, सो ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए टेन थीटा एंड माइनस इनटू माइनस प्लस थीटा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, आई मींस दिस वैल्यू. सो इसके बाद मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं और अगेन हम ऊपर आ रहे हैं थोड़ा, क्योंकि स्पेस जो है वो कम है. सो आफ्टर दिस वी कैन राइट, this is equal to, put the value of theta, so a, okay, theta, what is the value of theta, dekhiye this is x equals to a tan square theta, so you can say tan square theta equals to x by a, tan square theta will be x by a, and yahan se square eliminate hoga, so tan theta hamare paas hoga root x upon a. If tan theta equals to this, then theta equals to tan inverse, you can say x upon a. So this is the value of theta. So put the value of theta. Theta means tan inverse root x upon a. Okay. Then tan square theta. So yahan se hame tan square theta milega x by a. X equals to a tan square theta. Then tan square theta will be x by a. So, यहां मैंने x y a पुट किया माइनस a, दिस इज दी a tan थीटा, सो tan थीटा विल बी रूट x by a, दिस वैल्यू रूट x by a प्लस थीटा, सो प्लस थीटा, थीटा मीन्स थीटा इज tan इनवर्स, सो दिस इज tan इनवर्स रूट x अपॉन a. अब देखिए जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन शायद यहां इस स्टेप से स्टार्ट हुआ था, सो प्लस c प्लस c प्लस सी प्लस सी एंड प्लस सी. ओके, सो यहां भी हमारे पास प्लस सी, सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए, सो ए ये ए और ये हमारा कैंसिल आउट, सो वी गेट एक्स टेन इनवर्स एक्स बाई ए. ओके, माइनस ये हमारा रूट ए कैंसिल हो गया, वी गेट माइनस ए एक्स रूट में, देन प्लस टेन इनवर्स रूट एक्स वाई ए प्लस सी. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है उसका ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ. ओके.